आज मैं आपके लेकर आया हूँ एक ऐसा लेसन जहाँ अक्सर लर्नर कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव एडवर्ब में क्या फर्क है, क्योंकि ये सभी देखने में एक जैसे लगते हैं। तो अक्सर लर्नर इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कब ये होते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव एडवर्ब। तो आइए फ्रेंड्स इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। आइए सबसे पहले इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। ये सभी वर्ड्स जैसे व्हाट, व्हिच, हु, whom, whose इंटरोगेटिव प्रोनाउन है और इनसे सवाल पूछने का काम किया जाता है। यानी ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे सवाल पूछने का काम किया जाता है और इन्हें हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। अगर आपको कहना हो आपका नाम क्या है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट इज योर नेम। यहाँ पर आपके सेंटेंस में आया व्हाट एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। अगर आपको कहना हो तुम्हारा कलम कौन सा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे विच इज योर पेन। यहाँ आपके सेंटेंस में आया विच एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। अगर आपको कहना हो कि वह किसका है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हुज इज दैट, यानी वह किसका है। यहाँ आपके सेंटेंस में आया हुज एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जिसे सवाल पूछने का काम किया गया। कौन देर आया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हु केम लेट, यानी कौन देर से आया। यहाँ आपके सेंटेंस में आया हु एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जिसे सवाल पूछने का काम किया गया। अगर आपको कहना हो कि तुमने किसे देखा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे whom have you seen। यहाँ आपके सेंटेंस में आया whom एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जिसे सवाल पूछा गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउन समझ में आया कि ये सभी वर्ड्स इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जिनसे सवाल पूछने का काम किया जाता है। आइए अब इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में सीखते हैं। ये सभी वर्ड्स जैसे व्हाट, व्हिच, हुज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाती हैं। यानी ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे सवाल तो किया जाता है, लेकिन ये सभी किसी नाउन के पहले आते हैं और उस नाउन को मॉडिफाई करते हैं, यानी उस नाउन की खूबियों को बताते हैं, इसीलिए इनको इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आपको ये बात आसानी से समझ में आ सके। अगर आपको कहना हो आप कौन से शहर में रहते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट सिटी डू यू लिव इन, यानी आप किस शहर में रहते हैं। यहाँ मेरे सेंटेंस में आया व्हाट एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है जो एक नाउन के पहले आया हुआ है और उस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, और वो नाउन है सिटी। आप कहीं गलती से इसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन न समझें, क्योंकि अगर यहाँ व्हाट इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता तो उसके बाद कोई नाउन नहीं आता। यानी इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं आते, बल्कि कोई वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आते हैं। अगर आपको कहना हो तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट कलर डू यू लाइक। अगर आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं विच कलर डू यू लाइक। यहाँ आपके सेंटेंस में आया व्हाट या विच दोनों इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हैं, क्योंकि ये दोनों एक नाउन के पहले आए हुए हैं जो उस नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। अगर आपको कहना हो वह किसकी किताब है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हुज बुक इज दैट, यानी वह किसकी किताब है। यहाँ आपके सेंटेंस में आया हुज एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं ये किसी नाउन के पहले आया हुआ है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में सीखा कि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन से पहले आकर सवाल पूछने का काम करते हैं। ये सभी वर्ड्स इंटरोगेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं, यानी व्हाई, व्हेन, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग और हाउ ऑफन। ये सभी इंटरोगेटिव एडवर्ब्स हैं, क्योंकि ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं जो सेंटेंस में आए वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, यानी उस काम के बारे में बताते हैं कि ये काम कब हुआ, या ये काम क्यों हुआ, या ये काम कैसे हुआ, ये काम कितनी देर में हुआ, ये काम कब तक हुआ। तो ये सभी ऐसे वर्ड है जो सेंटेंस में आकर वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, काम होने के कंडीशन को बताते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। आप खाना कैसे पकाते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हाउ डू यू कुक फूड। यहाँ आपके सेंटेंस में आया हाउ एक इंटरोगेटिव एडवर्ब है जो काम होने की कंडीशन को बता रहा है, यानी ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि ये काम कैसे होता है, ऐसे होता है या वैसे होता है। तुमने मेरे भाई को क्यों पीटा है, व्हाई हैव यू बीटन माय ब्रदर।
इस सेंटेंस में आया वाई एक इंटरोगेटिव एडवर्ब है जो इस सेंटेंस में आए वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यानी काम होने की वजह की बात कर रहा है कि ये काम क्यों हुआ या इस काम के होने का वजह क्या था। आपने उसे कब देखा, when did you see him, यह आपके सेंटेंस में आया when एक इंटरोगेटिव एडवर्ब है जो आपके सेंटेंस में आए वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। आपने इसे कैसे किया है, How have you done this? यह आपके सेंटेंस में आया how एक इंटरोगेटिव एडवर्ब है जो आपके सेंटेंस में आए वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंटरोगेटिव एडवर्ब के बारे में अच्छा से पता है, क्योंकि कि जब मैंने आपको एडवर्ब का लेसन सिखाया तो वहाँ मैंने आपको इंटरोगेटिव एडवर्ब्स के बारे में डिटेल से बताया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि अब आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव एडवर्ब क्या है या ये आपस में कैसे अलग है और आप कैसे जाने कि आपके सेंटेंस में आया वर्ड एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है या इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है या इंटरोगेटिव एडवर्ब है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।